मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 और 9 नंबर और देवरिया के 1 प्लेटफॉर्म पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को उतारने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रोडवेज की बसों से भी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि कोई भी श्रमिक पैदल या ट्रकों से अपने घर तक ना जाए, इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। मंडल आयुक्त ने बताया कि रविवार और सोमवार को श्रमिकों को ले जाने वाले ट्रकों का चालान भी किया गया है। मंडल आयुक्त ने मजदूरों से अपील की है कि कोई भी मजदूर पैदल ना जाए, आप लोगों के लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 9 स्थानीय स्तर पर भी कुछ पहुँचाने की व्यवस्था की गई। नहीं, जैसा कि आपको कल भी बताया था कि अब हमने 3 प्लेटफॉर्म खोल दिए हैं, 1, 2, 9। तो गोरखपुर में 1, 2, 9 प्लेटफॉर्म खुले हैं, जो लखनऊ साइड से जितनी ट्रेनें आ रही हैं उनको हम ला रहे हैं और 1, 2 बनारस साइड से भी आ रही है। उसके साथ साथ देवरिया का भी प्लेटफॉर्म खोल दिया गया है और देवरिया में जो बनारस साइड से ट्रेनें आ रही हैं उनको हम ला रहे हैं। सो बेसिकली गोरखपुर स्टेशन के 3 प्लेटफॉर्म और देवरिया का 1 स्टेशन, ये 4 ट्रेन के लिए खुला हुआ है। बसेज लगातार आ रही हैं विभिन्न जनपदों से और विभिन्न प्रांतों से भी। हरियाणा से बसें आई थी, अब राजस्थान से आ रही हैं और वो बसेज जिलावार जनपदवार उनका आगमन हो रहा है। मुझे बताया गया है कि बिहार सरकार भी अपनी ट्रेन की व्यवस्था गोपालगंज से कर रही है और आपके माध्यम से उन सभी बिहारी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि पैदल ना जाएं, ट्रक का व्यवहार ना करें, ये कम्प्लीटली पूर्णतः वर्जित है। इसके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हमने 10-12 ट्रक हमने सीज़ किए हैं, आज सुबह भी हमने सीज़ किए हैं और इसलिए ट्रक का व्यवहार बिल्कुल ना किया जाए। ट्रेनें राज्य सरकारें चला रही हैं केंद्र सरकार के सहयोग से और उसका उपयोग करें और धैर्य और संयम। इस केस के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन यदि आप इसी वक्त जाएं तो इस समय SDM सहजनवा और तीनों जनपदों के अधिकारी और बसेज वहां पर उपलब्ध हैं। तो एक कोई स्पोरेडिक केस होगा तो उसको मैं देख लूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यकीन करें कि अब 0 पॉइंट जो कालेसर है उसके बाद से कोई भी व्यक्ति ट्रक के ऊपर या पैदल नहीं जा रहा है। यदि बीच से कहीं आ जा रहा है तो वो नेक्स्ट पॉइंट पर हम उसको पकड़ेंगे। सुकरौली जो बॉर्डर है गोरखपुर कुशीनगर का, वहाँ पर DM और SP कुशीनगर खुद खड़े हुए हैं अभी इस वक्त और वहाँ पर भी हमने 2 से 3 ट्रक अभी सीज़ किए हैं। सो यदि बीच में भी हमें कहीं मिलता है, हम बसेस की व्यवस्था करके उसको बॉर्डर के पास छोड़ेंगे।